नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नए फीस अधिनियम में मिले छूट, आरटीई की फीस पूर्ति जल्द करे सरकार। निजी स्कूल संचालकों ने सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी। खरगोन, भोपाल के निजी विद्यालय में संचालक और प्राचार्य के साथ की गई मारपीट और तोड़फोड़ की घटना पर आक्रोश जताने के साथ ही अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने एकजुटता दिखाई है। मंगलवार को स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आयुक्त के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे। संघ के पंकज शर्मा, आलोक सोनी, मोनू शर्मा, राजेंद्र तामकर, सीताराम पटेल, परितोष व्यास आदि ने बताया कि भोपाल के निजी स्कूल संचालक प्राचार्य के साथ मारपीट के साथ ही स्कूल में तोड़फोड़ की गई, जिसकी हम निंदा करने के साथ ही प्रशासन से शिक्षा के मंदिर में गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके अलावा स्कूल संचालन में आ रही समस्याओं पर भी शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। स्कूल संचालकों की मांग है कि 30,000 या इससे कम शिक्षण शुल्क वाली निजी स्कूलों को फीस अधिनियम विनिमय एक्ट में रियायत दिए जाने का शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हुआ, जिससे स्कूल संचालक असमंजस में है। वहीं पिछले 2 साल से आरटीई फीस पूर्ति नहीं की गई है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संचालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन तीनों बिंदुओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है तो वे भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन को बाध्य होंगे। बाइट ज्ञान प्रकाश शर, संवाददाता हासम खत्री, खरगोन। तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए, उक्त आरोपियों के या तो मकान तोड़े जाए और उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। इस घटना के कारण विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं में आज की शिक्षण संस्था संघ भोपाल के हम सभी कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि भोपाल के निजी विद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई और साथ ही स्कूल संचालक के साथ मारपीट की गई, जो नहीं होना चाहिए, बहुत निंदनीय है। दूसरा हमारा ये है कि आरटी फीस प्रतिपूर्ति, जो कि नियम में है, प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति के पहले हो जाना चाहिए। 3-4 साल के उपरांत भी फीस प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। कई बार हमको आंदोलन के माध्यम से, सूचना पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान कभी इस ओर नहीं जाता। तीसरे ये है कि डीपीआई द्वारा फीस हमको पोर्टल पर अपलोड करना थी, जिसमें कई विसंगतियां हैं, जिस कारण हम संचालक साथ इसका विरोध करते हैं और जब तक उसमें सुधार नहीं किया जाएगा तब तक हम उसकी पूर्ति नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश शर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।